الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بزرگان محترم اور برادران عزیز اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں سرور کائنات رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کا ہر باب، آپ کی زندگی کا ہر ورق نہایت صاف ستھرا اور روشن ہے. آپ کی سیرت لکھنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت کے متعلق جو کچھ لکھا، کہا، بیان کیا، حق بات تو یہ ہے کہ وہ صرف معمولی حصہ ہے، ورنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. آپ کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. سیرت کے جس پہلو کو لیا جائے اس پر تفصیلی کلام ہو سکتا ہے. جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے واقعے کو یا وفات کے واقعے کو یا آپ کے غزوات کے واقعات کو یا ہجرت کے واقعے کو علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے تفصیل سے بیان کیا، تو وہیں پر میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی داستان بھی کچھ ایسی نرالی ہے کہ سیرت لکھنے والوں نے، بیان کرنے والوں نے تفصیل کلام کیا، لیکن میں مختصر وقت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس بابرکت سفر کی کچھ داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے
एक बात हम ये समझते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये सफर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक सफर जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक यानी बैतुल मक़दिस तक हुआ, इस सफर को इसरा कहा जाता है, और दूसरा जो सफर है वो मस्जिद अक्सा से सात आसमानों के ऊपर जहां तक रब्बे कायनात को मंजूर था वहां तक हुआ, और उसी सफर को मेराज कहा जाता है। इन दोनों हिस्सों में फर्क यह है कि पहला हिस्सा जो है यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, इसको कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में बयान किया गया, और दूसरा हिस्सा जो है वो कुरान पाक में मजकूर नहीं, वो अहादीस से मशहूरा में बयान किया गया है। तो इसका उलमा ने ये मतलब बयान किया है कि अगर कोई बंदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सफर के पहले हिस्से का इनकार कर देगा यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर का, तो वो आदमी ईमान से निकल जाएगा और काफिर हो जाएगा। इसलिए ये हिस्सा कुरान पाक से साबित है, और कुरान पाक की एक आयत का इनकार भी इंसान को ईमान से निकाल देता है। लेकिन अगर कोई दूसरे सफर का इनकार करे मस्जिद अक्सा से बुलंद बाला आसमान तक, तो इसके इनकार करने से आदमी इस्लाम से खारिज नहीं होगा, अलबत्ता फासिक जरूर कहलाएगा। ये सफर कब हुआ, क्यों हुआ, इतनी बात तो तयशुदा है कि ये सफर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिलने के बाद हिजरत से पहले यानी मक्की जिंदगी के जो मखसूस 13 साल है उस दौरान हुआ है। और उलमा ने ये बात भी बयान की है कि ये सफर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद हुआ है। वो मुशरिकीन मक्का कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानतदारी पर पूरा एतमाद और इत्मीनान था, अपनी अमानत आका के सुपुर्द किया करते थे, यही मुशरिकीन मक्का का हाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत के ऐलान के बाद कुछ ऐसा हो गया कि जितना मुमकिन था, जितना उनके इख्तियार और बस में था, उतना ही मेरे आका को सताया। कहीं आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए तो कहीं आप रास्ते से गुजर रहे हैं और ऊपर से आप पर कचरा डाला जा रहा है, कहीं आपके गर्दन में चादर का फंदा डालकर खींचने की कोशिश होती है, तो कभी आपके चेहरे अनवर की जानिब थूकने की कोशिश भी की जा रही है, और ताइफ का दर्दनाक सफर कि मेरे आका पर पत्थरों की जो बारिश हुई और जिस्म मुबारक से जो खून निकलने लगा और आपकी जूतियां खून से भर गई। खुलासा यह है कि जब मेरे आका पर जुल्म सितम की हर किस्म पहुंचाई गई, हर तरह से तकलीफ पहुंचाई गई, हर तरह से सताया गया, रब्बे कायनात की मशीयत अब यह हुई
कि मेरे महबूब को मेरे पास बुलाया जाए और ऐसे इनाम से नवाजा जाए कि जिसकी बरकत से मेरे महबूब के सारे गम दूर हो जाए। जो तकलीफ पहुंची है, और अफसोस की बात तो ये थी कि इन तकलीफों के मौके पर अगर कोई आपको तसल्ली देने वाला, आपकी हमदर्दी करने वाला, आपके गमों को हल्का करने वाला था तो वो आपकी चली की अहलिया हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, मगर वो भी दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और उसके बाद ताइफ का सफर हुआ था। रब्बे कायनात की मशीयत है कि मेरे महबूब के गमों को हल्का करना है, उनके कलेजे को सुकून बख्शना है, उन्हें कल्बी इत्मीनान दिलाना है, इसलिए आपको मेराज के सफर पर बुलाया गया। ये सफर कब हुआ? कहने को तो ये बात बड़ी आसान है, लेकिन ये एक सवाल के अंदर कई कई सवाल छुपे हुए। पहला सवाल तो ये है कि ये सफर आखिर किस साल हुआ? हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह, जो बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाले हैं, वो लिखते हैं कि इस सिलसिले में 10 अकवाल है कि ये सफर हिजरत से 6 महीने पहले, हिजरत से 8 महीने पहले, हिजरत से 11 महीने पहले, हिजरत से 1 साल पहले, हिजरत से 1 साल 2 महीना पहले, हिजरत से 1 साल 3 महीना पहले, हिजरत से 1 साल 5 महीना पहले, हिजरत से 1 साल 6 महीना पहले, हिजरत से 3 साल पहले या हिजरत से 5 साल पहले हुआ? कौन से महीने में यह सफर हुआ? साल भर के 12 महीने होते हैं, हम और आप जानते हैं, लेकिन ये सफर किस महीने में हुआ? जब उलमा ने इस मसले पर कलाम किया और गुफ्तगू की तो 6 अकवाल हो गए कि वो रबीउल अव्वल का महीना था, या रबीउस सानी का महीना था, या रजब का महीना था, या रमज़ानुल मुबारक का महीना था, या शव्वाल का महीना था, या ज़िलहज्जा का महीना था। तारीख कौन सी थी? 7 तारीख थी, 13 तारीख थी, 17 थी या 27 तारीख थी? और रात कौन सी थी? जुमेरात का दिन गुजर कर जुमा की रात, या जुमा का दिन गुजर कर शनिचर की रात, या इतवार का दिन गुजर कर पीर की रात? ये 3 कौल उलमा ने बयान किए, लेकिन इन तमाम अकवाल को बयान करके इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो रजब का महीना था और 27वीं शब थी। और गौर करने से ये बात भी पता चलती है कि वो इतवार का दिन गुजर कर पीर की रात थी। इस सफर की दास्तान कुछ इस तरह से है कि मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपनी चचाजात बहन उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला जो अबू तारिब की साहबजादी, हजरत अली और हजरत जाफर की बहन होती है, उनके मकान में आपा आराम फरमा रहे थे। अचानक मकान की छत फटी और 2 फरिश्ते आए। सवाल ये होता है कि फरिश्ते तो लतीफ और बारीक मखलूक है, कहीं से भी आ सकते थे, मकान की छत फाड़ कर आने की क्या जरूरत थी?
इसमें क्या राज छुपा है, इसमें इशारा है कि जिस तरह अभी छत फटी है कुछ ही देर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चीर कर कल्ब को भी साफ किया जाएगा। इन दोनों ने आका को उठाया, आका बेदार हुए और आपको उठाकर लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम के हिस्से में तशरीफ लाए और फिर लेट गए। फिर वो दोनों आए और नबी करीम अलैहि सल्लतु वसलाम को उठाकर जमजम के कुएं के पास ले गए। वहां नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लिटा दिया गया और इन दोनों ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक को चाक किया, जिसको उलमा और मुहद्दिसीन की जुबान में शक्के सदर कहा जाता है, सीने को फाड़ा जाना। ये वाकया मेरे आका की जिंदगी में कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि ये चौथी मरतबा हो रहा है। 4 साल की उम्र थी जब बीबी हलीमा के यहाँ मेरे आका तरबियत और परवरिश पा रहे थे, उस दौरान भी ऐसा वाकया हुआ है कि 2 फरिश्ते आए थे, आपको लिटा दिया गया, आपके सीने को चाक करके कल्ब के अंदर से एक सियाह नुक्ते जैसी चीज को निकाल कर फेंक दिया और उस मौके पर आका के कल्ब को बर्फ से धोया गया था। इसमें राज ये था कि वो सियाह चीज, वो गुनाह का मादा जो इंसान के अंदर फितरी तौर पर होता है और चूंकि नबी गुनाहों से मासूम होता है, इसलिए उसको निकाल कर फेंक दिया गया। और गुनाहों की खासियत गर्मी की है, इसलिए इस मौके पर आपके दिल को जमजम से नहीं बल्कि बर्फ से धोया गया कि गर्मी को तोड़ने वाली चीज सर्दी होती। और 10 साल की जब उम्र थी, उस मौके पर दूसरी मरतबा भी मेरे आका के सीने को चाक करके कल्ब की सफाई की गई थी और उस मौके पर आपके कल्ब से लहव लहिर के खेल कूद के मादे को निकाल कर फेंका गया, इसलिए कि नबी की शान लहव लहिर की नहीं होती, लहव लहिर तो बंदे को अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है। और जब मेरे आका की उम्र 40 साल की हुई और हक ताला ने आपको नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया, उस मौके पर भी आपके कल्ब की सफाई की गई थी और इसलिए की गई थी कि अब मेरे आका पर कोई मामूली कलाम नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन का मुकद्दस कलाम, जिसको कुरान पाक ने कहा इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, ए नबी हम आप पर एक बोझल और वजनी कलाम को उतारने वाले हैं, उस वजनी कलाम को बर्दाश्त करने के लिए चीज भी तो वजनदार चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दिल को उस मौके पर भी धोया गया ताकि आपका दिल वही के बोझ को बर्दाश्त कर सके। वही कोई मामूली चीज नहीं, बुखारी शरीफ की एक रिवायत से अंदाजा कीजिए जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने किताब तफसीर में बयान की है, 5वें पारे की एक आयत का टुकड़ा, गैर उलिल ज़रर, बस इतना सा टुकड़ा, ये पहले नाजिल नहीं हुआ था, पूरी आयत उतर चुकी थी, इतना टुकड़ा बाद में उतरा है। ज़ैद इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रखकर आराम फरमा रहे थे, उस मौके पर जब आप पर वही की अलामतें जाहिर होने लगी और आपका वजन बोझ बढ़ने लगा, बस वो एक टुकड़ा नाजिल हो रहा है, अंदाजा कीजिए ज़ैद बिन साबित फरमा थे मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा पैर टूट जाएगा।
इसलिए आपके कल्ब की सफाई की गई और चौथी मरतबा आपके कल्ब की सफाई इस मौके पर हुई कि अब मेरे आका को यहाँ के आलम से निकाल कर दूसरे आलम की सैर करानी है। इंसान के दिल में दुनिया में इतनी ताकत नहीं कि वहाँ की चीजों को देख सके, उसका मुशाहदा कर सके। इसलिए मेरे आका के सीने को चाक किया गया, आपके कल्ब को निकाल कर धोया गया। किस चीज से धोया गया? किस चीज से धोया गया? जमजम के पानी से धोया गया। जिब्राइल आए हैं, जन्नत से आए हैं, साथ में जन्नत से सोने का तश्त भी लेकर आए हैं। तो जन्नत की नहर नहरे कौतर से भी तो पानी ला सकते थे धोने के लिए, क्यों नहीं लाए? जमजम के पानी से क्यों धोया? इशारा दिस जानी है कि ये पानी सारे पानी से अफजल है। जब मेरे आका सारे नबी से अफजल, तो उनके कल्ब, उनका कल्ब सारे कल्ब से अफजल, और उनके कल्ब की सफाई के लिए जो पानी लाया गया वो पानी भी सारे पानियों से अफजल है। तो इस मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्ब की सफाई हुई ताकि आप वहाँ की चीजों को देख सके, उसको बर्दाश्त कर सके, उसका मुशाहदा कर सके। जिब्राइल अमीन सोने का तश्त लेकर आए हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के कल्ब में वो सोने का तश्त, सोने का थाल किस चीज से भरा था? वो इल्म और हिकमत से भरा था। सवाल होता है, इल्म और हिकमत कोई आंखों से नजर आने वाली चीज तो है नहीं, तो फिर कैसे कहा इल्म और हिकमत से भरा था? और इसलिए कहा कि इल्म और हिकमत दुनिया के एतबार से नजर आने वाली चीज नहीं, मगर आखिरत के एतबार से नजर आने वाली चीज है। जैसा कि आपने फजाइले कुरान में पढ़ा होगा कि जो बंदा सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत करता होगा, ये दोनों सूरतें पढ़ने वाले को कयामत के दिन बादल की शक्ल में आकर साया करेगी। अब बताइए, क्या कुरान की सूरतों का कोई जिस्म है? नजर आती नहीं, वो आलम आखिरत के एतबार से। लेकिन एक सवाल फिर होता है कि सोना, ये तो खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत के मर्दों के लिए हराम करार दिया, और उसी नबी के लिए सोने का थाल लाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उसका जवाब बहुत आसान है। एक जवाब तो ये है कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। दूसरा जवाब ये है कि सोने के हराम होने का जो हुक्म आया है वो मदनी जिंदगी में आया है, और ये वाकया मक्की जिंदगी का है। तीसरा जवाब ये कि सोने का थाल मेरे आका कहाँ लेकर आए थे? वो तो जिब्राइल लेकर आए थे, इसलिए सवाल मेरे आका पर नहीं होता, जिब्राइल पर होता है। अहकाम इंसानों से ताल्लुक रखते, फरिश्तों से नहीं। और चौथा जवाब ये है कि भेजने वाली जात तो देखो किसने भेजा है, और रब्बुल आलमीन ने भेजा है, इसलिए अब भी कोई सवाल नहीं। वो इल्म और हिकमत से भरा सोने का थाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में खाली कर दिया गया, आपके सीने को बंद कर दिया गया, और एक सवारी लाई गई। वो सवारी कौन सी थी? उस सवारी को कहते बुराक। ये सवारी आई तो थी रजब के महीने में, लेकिन रांदे पहुंचते पहुंचते 6 महीने लगे, इसलिए मुहर्रम के महीने में आई। ये बुराक बना है बर्क से। बर्क अरबी जुबान में बिजली को कहा जाता है। इस सवारी का नाम बुराक इसलिए कि ये इतनी तेज रफ्तार की जैसा कि बिजली तेज रफ्तार होती है।
जहां इसकी नजर पहुंची वहां इसका कदम गिरता था। ये बुराक जानवर है जो गधे से कुछ बड़ा और खच्चर से छोटा होता है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होने लगे वो शौकी करने लगा। जिब्राइल ने जाकर उसके कान में ऐसी बात कही कि वो शर्म के मारे पसीना पसीना हो गया। जिब्राइल ने कहा, ए बुराक, तेरा ये शौकी करना, तेरा ये इतराना कैसा है, तुझे मालूम भी है आज तुझ पर कौन सवार हो रहा है? आज तो तुझ पर वो जात सवार होने जा रही है जो सारी मखलूकात में सबसे अफजल है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सवार हुए, लेकिन जिब्राइल सवार हुए या नहीं? एक कौल तो ये है कि जिब्राइल सवार नहीं हुए, लेकिन एक कौल ये भी बयान किया गया है कि जिब्राइल सवार हुए थे। अच्छा, सवार हुए थे तो कहाँ बैठे? आका के आगे या पीछे? तो आका के पीछे बैठे। फिर सवाल होगा, पीछे क्यों बैठे? आगे बैठना चाहिए। अगर आप किसी आलिम को लेने के लिए जाओ बाइक पर और आप कहेंगे उसको कि लो आप चलाओ, मैं पीछे बैठता हूं। वहां अदब तो ये है कि हम चलाएंगे वो पीछे, लेकिन यहां मामला उल्टा है। आका आगे है, जिब्राइल पीछे है, इसलिए कि अदब ये है कि मेरे आका से आगे कोई नहीं हो सकता। चलते चलते लतीफा भी सुन लो। भोपाल में एक गैर मुकल्लिद आलिम अहले हदीस नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली थे। उनका एक बहुत बड़ा मुअतकिद उस जमाने में भोपाल में काजी साहब थे, उनके पास आया और कहने लगा, काजी साहब मैंने एक ख्वाब देखा है। कहा, क्या ख्वाब देखा है? कहा, मैंने ख्वाब में ये देखा, भोपाल की जो जामे मस्जिद है उसमें नमाज हो रही है, पहली सफ में सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और इमामत के मुसल्ले पर नवाब सिद्दीक हसन खान जो वहां के आलिम है वो है। तो इस ख्वाब की क्या तामीर? तो काजी साहब ने बरजस्ता फरमाया कि अगर वाकई तूने ये ख्वाब देखा है तो इसकी तामीर ये है कि जा, नवाब साहब का इंतकाल हो गया। उसने कहा, कैसी बात करते हो, जाकर देखा तो वाकई इंतकाल हो चुका था। फिर आया और कहने लगा, आपने ये तामीर क्यों दी? तो काजी साहब ने फरमाया, सीधी सी बात है, मेरे आका मौजूद हो तो आका के आगे कोई चीज नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो जनाजा हो सकता है। तो यहां भी जिब्राइल अमीन मेरे आका के साथ सवार तो हुए, लेकिन अदब ये नहीं था कि पीछे बैठे। ये सवारी चलने लगी। अब पहला सफर शुरू हुआ मस्जिद अक्सा तक का। रास्ते में एक मकाम आया, जिब्राइल ने कहा, आका उतरिए, नमाज पढ़िए। आका उतरे, नमाज पढ़ी। जब आप सवारी पर आए, जिब्राइल ने पूछा, आका आपको मालूम है आपने कहाँ नमाज पढ़ी? कहा, नहीं। कहा, ये यथरीब है, ये मदीना तैयबा है जो आपकी हिजरत गाह बनने वाली। फिर सवारी आगे चली, एक और मकाम आया, जिब्राइल कहते हैं, आका आप उतरिए, आप नमाज पढ़े। आका उतरे, नमाज पढ़ी। नमाज से फरागत के बाद हजरत जिब्राइल ने पूछा, आका आपको मालूम है आपने कहाँ नमाज पढ़ी? कहा, नहीं। हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया कि ये वादी सीना है वही वादी जिसमें हक तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। आप आगे चले, फिर एक मकाम आया, जिब्राइल कहते हैं, आका आप उतरिए, नमाज पढ़िए। आका उतरे, नमाज पढ़ी। नमाज से फरागत के बाद जिब्राइल ने पूछा,
अल्लाह के नबी आपको मालूम है आपने कहाँ नमाज पढ़ी कहाँ नहीं, कहा ये मदीन हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती है आपने यहाँ नमाज पढ़ी। फिर आगे चले एक और मकाम आया, हजरत जिब्रील ने कहा आका आप उतरिए नमाज पढ़िए, आका उतरे नमाज पढ़ी, नमाज से फरागत के बाद पूछा आपको पता है आपने कहा नमाज पढ़ी, कहा नहीं, कहा ये मकाम है बैतुल लहम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है, आपने यहाँ नमाज पढ़ी। फिर आगे चले रास्ते में एक बुढ़िया मिली जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपनी जानिब माइल करने की कोशिश कर रही थी, जिब्रील ने फरमाया इसकी जानिब नजर न कीजिए आगे चलिए। आपा की सवारी आगे रवाना हुई, एक बूढ़ा मिला जो आपको अपनी जानिब मुतवज्जेह करने की कोशिश कर रहा था, जिब्रील ने कहा इनकी जानिब तवज्जेह न कीजिए आगे चलिए। फिर आगे चले तीन बंदे मिले, तीनों ने सलाम किया, एक ने कहा अस्सलामु अलैका या अव्वल, दूसरे ने कहा अस्सलामु अलैका या आखिर, तीसरे ने कहा अस्सलामु अलैका या आखिर। जिब्राइल ने कहा आपा इनको सलाम का जवाब दीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सलाम का जवाब दिया। उसके बाद पूछा जानते हो ये सब कौन थे, कहा नहीं, कहा जो बुढ़िया आपको अपनी जानिब खींचने की माइल करने की कोशिश कर रही थी वो दुनिया थी, और इस दुनिया की उम्र इतनी ही बची है जितनी इस बुढ़िया की, और वो बूढ़ा जो आपको अपनी जानिब माइल करने की कोशिश कर रहा था वो इबलीस था, वो शैतान था। और जो तीन बंदों ने आपको सलाम किया और आपने उनके सलाम का जवाब दिया जानते हो वो कौन है, कहा नहीं, कहा एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेराज की रात में मेरा गुजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से हुआ, मैंने देखा कि वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो मुख्तलिफ अजाबों में पकड़े हुए थे। सीरत लिखने वालों ने बड़ी तफसील से लिखा आपका गुजर कुछ ऐसे लोगों पर से हुआ कि जिनके नाखून तांबे के बने हुए थे, और वो अपने इस तांबे के नाखून से अपने बदन को जिस्म को चेहरे को नोच रहे थे। आपा ने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं, फरमाया ये वो लोग हैं जो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने वाले यानी उनकी गइबत करने वाले। फिर आप आगे चले आपने कुछ लोगों को देखा कि जो पत्थरों को लुकमा बनाकर खा रहे। आपा ने पूछा जिब्राइल ये कौन है, का ये सूद खाने वाले हैं। मिश्कात शरीफ में एक और रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेराज की रात में मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनके पेट बड़े बड़े कमरों की तरह थे, और उसके अंदर सांप टहल रहे चक्कर लगा रहे जो बाहर से नजर आ रहे थे। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं, तो बताया कि ये सूद खाने वाले हैं। मुमकिन है कुछ सूद खाने वाले ऐसे होंगे जिनको ये अजाब हो, और कुछ ऐसे होंगे कि जो पत्थरों का लुकमा बनाकर चबाएंगे। फिर आप आगे चले आपने कुछ लोगों को देखा वो अच्छे लोग थे कि जो जमीन में बीज बोते हैं और फौरन खेती तैयार हो जाती है उसे काट लेते हैं। पूछा जिब्राइल ये कौन लोग है, कहा ये अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले अपने जान माल के नजराने पेश करने वाले हैं।
फिर आगे चले आका ने कुछ लोगों को देखा कि जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। आका ने पूछा, जिब्राइल ये कौन है, इनके साथ ये मामला कैसा, क्यों? फरमाया कि ये वो लोग हैं जो फर्ज नमाजों में सुस्ती करने वाले थे। अफसोस सर अफसोस कि चंद मुबारक रातें आ जाती हैं तो मस्जिदें भर जाती हैं, क्या हम इसीलिए नमाजें कि रमजान में नमाज पढ़ ले, मुबारक रातों में नमाज पढ़ ले, जुमा की नमाज पढ़ ले, फिर हम पर हालात नहीं तो क्या हो, रहमत नहीं तकलीफें बरसेंगी। कुछ लोगों को देखा कि जो बिल्कुल बरहना और उनकी शर्मगाहों पर एक ही चिथड़ा लिपटा हुआ है और वह जानवरों की तरह चल रहे हैं, जहन्नम के दरख्त ज़रीर और जक्कूम को खा रहे हैं। पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग है? बताया कि ये वो लोग है जो अपने अमवाल की ज़कात अदा नहीं करते थे। फिर आका ने कुछ लोगों को देखा, मर्द भी है औरतें भी है, जिनके सामने एक हांडी में पाकीज़ा उमदा नफीस गोश्त और एक हांडी में सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त है। उमदा गोश्त को छोड़कर वो सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? तो जिब्राइल ने बताया कि ये वो लोग है, वो मर्द जिनको जिनके पास अपनी ख्वाहिशात को शहवत को पूरा करने के लिए हलाल बीवी मौजूद थी, उसको छोड़कर हराम खोरी के रास्ते पर गए, और वो औरतें जिनके पास अपने अपने शौहर थे मगर उन्होंने दूसरों से अपने मुंह को काला किया, बदकारी की, ये वो मर्द और औरतें हैं। फिर आका ने देखा कि एक लकड़ी बीच रास्ते में है, जो भी उसके करीब जाता है तो वो उसे अपनी जानी खींचती है और दामन को खींच कर चाप कर देती है। पूछा, ये क्या है? काले वो लोग है जो रास्ते में बैठकर लोगों के अमवाल लूट लिया करते थे, डाका जरी किया करते थे। फिर आका ने देखा कि एक शख्स है जिसके पास इतना बड़ा गट्ठर है कि जिसको उठाने की कोशिश तो करता है मगर उठा नहीं पाता। पूछा, ये कौन है, क्या हाल है, इसका क्या मामला है? फरमाया, ये वो बंदा है कि जिसके जिम्मे लोगों का बहुत सारा बोझ और हुकूक और कर्ज है मगर उसको अदा करने की ताकत नहीं रखता। इतनी बात तो सीरतुल मुस्तफा में बयान की है मगर मौलाना आशिक इलाही साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी तफसीर में कुछ और लोगों का भी जिक्र किया है। फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ लोगों को देखा कि जिनके जिंदा होने की हालत में बदन कैंचियों से काटे जा रहे थे। पूछा, ये कौन लोग हैं? ये सिर्फ मर्द थे। कहा, ये वो मर्द है जो जिना के लिए बंद संवर कर निकलते थे। फिर आका ने देखा एक घड़े से कुछ आवाज आ रही है, चीखने चिल्लाने पुकारने की। पूछा, ये आवाज कैसी है? फरमाया कि ये आवाज उन औरतों की है जो जिना के लिए बंद संवर कर जेब व जीनत इख्तियार करके निकला करती थी। आका ने देखा कुछ लोगों को कि जिनके होंठ कैंचियों से काटे जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? फरमाया, ये वो लोग है जो दूसरों को नसीहत करते थे मगर खुद अमल नहीं करते थे। लिम तकूलून मा ला तफअलून, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आका ने देखा एक बैल है जो एक सुराख में से पास होने की कोशिश करता है मगर उसमें से गुजर नहीं पाता। का ये कौन है, क्या मामला है? कहा, ये वो बंदा है
जो दुनिया में अपनी जुबान से कोई बात कह देता है फिर चाहता है इसको वापस करे मगर वापस करने की ताकत नहीं रखता। ये सारे हालात तो देखे मगर मिश्कात शरीफ में एक और रिवायत भी मिलती है और तिर्मिज़ी शरीफ में भी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेराज की रात में हक्कान फरिश्तों ने मुझे ये कहा, ये हुक्म दिया गया अल्लाह ताला की जानिब से कि आप अपनी उम्मत को हुक्म दे कि वो हिजामा किया करे। ये नबवी इलाज है। बहरहाल रास्ते में बहुत सी अनोखी चीजों का दीदार करते हुए मुशाहदा करते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस पहुंचे। ये आपके सफर का पहला हिस्सा हुआ। मगर एक सवाल होता है मेराज के लिए अगर अल्लाह ने अपने पास बुलाया तो बैतुल्ला शरीफ से सीधे ऊपर बुला लेते, मस्जिद अक्सा तक ले जाने की क्या जरूरत थी? उसमें क्या हिकमत, उसमें क्या राज है? उसमें भी बड़ी हिकमत है। एक हिकमत यह है कि इसमें इशारा किस जानिब है कि मेरे महबूब अनकरीब आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए क़िबला बैतुल्लाह शरीफ से हटाकर बैतुल मक़दिस कर दिया जाएगा। और दूसरी हिकमत पर इशारा यह है कि बैतुल मक़दिस किस लिए ले जाया गया, ताकि आप दोनों जगह के अनवारात बरकात से मुस्तफीर हो जाए, मालामाल हो जाए। बैतुल्लाह शरीफ के अनवारात तो थे ही और बैतुल मक़दिस जो बहुत से अंबिया का मरकज और मदफन है, आप वहां के अनवारात से भी मालामाल हो जाए, इसलिए बैतुल मक़दिस ले जाया गया। बैतुल मक़दिस पहुंचने के बाद सवारी से उतरे, जिब्राइल ने एक पत्थर में अपनी उंगली से सुराख कर दिया, खेद कर दिया और सवारी वहां बांध दी। जन्नती सवारी थी, बांधने की क्या जरूरत थी? इसलिए बांधी गई कि हमें हिदायत दी गई कि हम पहले असबाब इख्तियार करें फिर अल्लाह की जात पर भरोसा करें। जब आप अंदर दाखिल हुए तो थोड़ी देर में मस्जिद भर गई। यहां एक अजीब बात यह भी है कि बैतुल मक़दिस का जो निगरान था, रात में उसकी जिम्मेदारी थी कि मस्जिद के सारे दरवाजों को बंद करें, मगर एक दरवाजा कोशिश के बावजूद बंद नहीं हो रहा था। तो उसने हिम्मत हार दी और सोचा कि सुबह में इसको नज्जार को बुलाकर दुरुस्त करवाएंगे। तो वो खुला रह गया, खुला रह नहीं गया था, खुला रखा गया था ताला की जान से। मस्जिद भर गई, किसी ने अजान दी, लोग जमा हो गए। अब इंतजार इस बात का है कि कौन इमामत के लिए मुसल्ले पर आगे बढ़े। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्राइल ने मेरा हाथ पकड़कर आगे कर दिया। मैंने नमाज पढ़ाई, नमाज से फरागत के बाद जिब्राइल ने पूछा ये कौन सी नमाज थी? ये ईशा भी नहीं थी, फजर भी नहीं थी, पांच नमाजें तो ऊपर जाने के बाद में नहीं है, ये नफल नमाज थी। पूछा कि आपको मालूम है आपने किन लोगों की इमामत की? कहा नहीं। फरमाया आपने अंबिया और मलाइका की इमामत की, मेरे आका इमामुल अंबिया भी है, इमामुल मलाइका भी है। नमाज से फरागत के बाद
مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلات والسلام نے حق تعالیٰ کی شان میں تحمیدی کلمات پیش کیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے تحمیدی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے ایک عظیم سلطنت دی، مجھے تمام لوگوں کے لیے امام، پیشوا، مقتدا بنایا اور میرے لیے آگ کو باغ بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے تحمیدی کلمات پیش کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کلیم بنایا، براہ راست بلا واسطہ مجھ سے کلام کیا، مجھے عظیم امت عطا کی جو حق پر چلنے والی اور انصاف قائم کرنے والی، اور جس نے میری وجہ سے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر کے مجھے اور میری قوم کو نجات دلائی. حضرت داؤد علیہ السلام نے تحمیدی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بادشاہت عطا کی، جس نے مجھے مجھ پر اپنی کتاب زبور کو نازل فرمایا، جس نے مجھے ایسی بولی عطا فرمائی کہ میرے لیے میری تسبیح کو سننے کے لیے پہاڑ اور ہوا مسخر ہو جاتی ہے، پرندے مسخر ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، مجھے تقریر دل پذیر اور فیصلہ کرنے کی حکمت و مہارت عطا فرمائی، اور میرے لیے جس نے لوہے کو موم بنا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحمیدی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسی بادشاہت دی کہ میری مانے کسی کو بادشاہت، سلطنت، حکومت عطا نہیں کی گئی، میرے لیے جناتوں کو اور ہواؤں کو مسخر کر دیا اور مجھے پرندوں کی بولی کا علم دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تحمیدی کلمات پیش کرتے ہوئے کہا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنی قدرت سے کلمہ کن سے بغیر باپ کے پیدا کیا، مجھ پر اپنی کتاب انجیل کو نازل فرمایا، اور جس نے مجھ میں یہ صلاحیت دی کہ میں مٹی کے پرندوں کو بنا کر اسے اڑاتا ہوں، وہ سچ مجھ کے بنتے ہیں، جس نے مجھے یہ مہارت دی، یہ صلاحیت دی کہ میں پیدائشی نابینا اور کوڑی کے مریض کو اچھا کر دیتا ہوں، اور جس نے مجھے اور میری والدہ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا، لیکن جب نمبر آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے آقا فرماتے ہیں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، جس نے مجھے تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، جس نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا، جس نے میرے سینے کو کھول دیا، میرے غموں کو دور کر دیا، اور جس نے مجھے تمام لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا، جس نے میری امت کو اولین اور آخرین بنایا کہ میری امت آخری امت ہے لیکن مقام مرتبے کے اعتبار سے اول نمبر کی ہے، اور جس نے مجھے جسمانی اعتبار سے آخری مگر روحانی اعتبار سے اول نبی بنایا. جب آقا نے یہ جملے کہے، حضرت ابراہیم نے دیگر انبیاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو دیکھو، یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سے آگے نکل گئے. جب آپ مسجد سے نکلے ہیں، تین پیالے پیش کیے گئے، پانی کا، دودھ کا اور شراب کا. آقا نے دودھ والے پیالے کو لے لیا، جبرائیل نے فرمایا، آقا آپ نے بالکل صحیح کیا، اگر آپ شراب والے پیالے کو لیتے آپ کی امت تباہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی والے پیالے کو لیتے آپ کی امت غرق ہو جاتی، مگر آپ نے دودھ والے پیالے کو لیا ہے، آپ کی امت
थप पर रहेगी। बाद रिवायात में है कि शहद का प्याला भी पेश किया गया था, आपने उसको भी इस्तेमाल किया, मगर एक बहस यहाँ ये छिड़ गई कि ये प्याले कब पेश किए गए थे। मस्जिद अक्सा से निकलने पर या सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचने पर दोनों तरह की रिवायतें हैं। इब्ने हजर फरमाते हैं मुमकिन है दोनों मौके पर पेश किए गए। अब उसके बाद सीढ़ी लाई गई और यही सीढ़ी ये हमारी दुनिया की नहीं थी, वो रब्बुल आलमीन की थी। सीढ़ी को अरबी जुबान में मेराज कहा जाता है, इसलिए इस सफर का नाम है सफर मेराज। और इस पर तशरीफ लाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम को ऊपर पहले आसमान पर पहुंचाया। एक बात अच्छी तरह सुने कि ये सफर कोई लंबे अरसे का नहीं था, ये तो मेरे आका का मौजज़ा है, रब्बुल आलमीन की कुदरत का इजहार है, चंद लम्हों का सफर था। वरना दुनिया से पहले आसमान की मसाफत ही 500 साल की। जब वहां पहुंचे दस्तक दी गई, पता चला कि आसमान से भी दरवाजे अगर से हमें नजर नहीं आते, मगर कुरान कहता है वफुतिहत अस्समाउ अबवाबा, उसके दरवाजे हैं। पूछा कौन है, कहा जिब्राइल। पूछा गया आपके साथ कौन है, कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे आसमान में खुशी की लहर दौड़ गई, मरहबा मरहबा। दरवाजा खोला गया, पहले आसमान पर पहुंचे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, दाईं जानिब देखते हैं मुस्कुराते हैं, बाईं जानिब देखते हैं गमगीन हो जाते हैं, दाईं जानिब उनकी जन्नती औलाद, बाईं जानिब उनकी जहन्नमी औलाद, दाईं तरफ से ठंडी हवाएं चल रही थी इसलिए खुश हो रहे थे, और बाईं जानिब से गर्म हवाएं चल रही थी इसलिए गमगीन हो रहे थे। दूसरे आसमान पर पहुंचे, वहां दो नबियों से मुलाकात हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम। तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और सातवें आसमान पर खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सवाल ये होता है, और भी बड़े बड़े नबी रह गए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान, हजरत शोएब, कभी बाप का जिक्र आया, बेटे का तो जिक्र नहीं। हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई, लेकिन बेटे इस्माइल से मुलाकात नहीं हुई, बेटे यूसुफ से मुलाकात हुई, मगर बाप याकूब से मुलाकात नहीं हुई। तो आखिर इन नबियों से क्यों मुलाकात करवाई गई, ये बड़ी अच्छी बहस है। इन नबियों से मुलाकात कराने में नबी करीम अलैहिस्सलाम की अब जो जिंदगी बची है उसमें पेश आने वाले कुछ वाकयात की तरफ इशारा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इसलिए मुलाकात करवाई कि हजरत आदम वो थे जिन्होंने जन्नत से दुनिया की जानिब हिजरत की थी। मुलाकात करवाकर इशारा है, ए मेरे महबूब, अब आपको भी हिजरत करना है मक्का से मदीना की जानिब। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इसलिए हुई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब कयामत में इस उम्मत के एक फर्द और मुजद्दिद होने की हैसियत से तशरीफ लाएंगे, इसलिए मुलाकात करवा। या ये कि जिस तरह यहूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बने हैं, ए मेरे महबूब, आप जरा मदीना को पहुंचे, पता चलेगा वहां बसने वाले यहूद भी आपके दुश्मन बनेंगे।
और हजरत यहया अलैहिस्सलाम चूंकि उनके रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, इसलिए उनसे मुलाकात हो गई। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इसलिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे हसीन जमील है। आका ने जब उनको देखा, आधा हुस्न जमाल उनको दिया गया था, क्योंकि उनकी परदादी हजरत सारा बहुत खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती पर पोते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में आई थी। तो ये उम्मते मुहम्मदिया जब कयामत के दिन जन्नत में दाखिल होगी, उलमा ने लिखा इस उम्मत को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरत पर दाखिल किया जाएगा, इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई गई। लेकिन एक वजह ये भी है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत जानने वाले जानते हैं कि उनको उनके भाइयों ने ही कुएं में डाला था, वही दुश्मन बने थे। ए मेरे आका, आपके दुश्मन भी कोई बाहर के नहीं, आपकी बिरादरी के ही है। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिन्होंने खत और किताबत का सिलसिला जारी किया था। ए मेरे आका, आप हिजरत करके पहुंचेंगे मदीना, सुलह हुदैबिया के बाद जब आपको सुकून मिलेगा तब आप भी दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों की जानिब खत लिखकर भेजेंगे। और हजरत इदरीस वो है कि जिनके बारे में कुरान ने कहा वह रफअनाहु मकानन अलिया, हमने उनके मकान को बुलंद कर दिया। ए मेरे आका, हम भी आपके मकान को बहुत बुलंद करेंगे। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। क्यों? इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तौरात देने के लिए तशरीफ ले गए। हजरत हारून उनके नाई थे, कौम ने बछड़ा बनाकर उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी थी, तो नतीजा ये निकला कि उनको कत्ल किया गया था। तो इसी तरह ये मेरे महबूब, आपकी जिंदगी में भी ऐसा दौर आएगा कि बदर में कुछ लोग आपसे लड़ने के लिए मक्का छोड़कर मदीना आएंगे और उनको आप कत्ल करेंगे। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इसलिए मुलाकात करवाई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने मुल्क शाम के लोगों से जंग की थी। इशारा इस जानिब है कि मेरे महबूब, आप भी मुल्क शाम के लोगों से जंग करने के लिए सन हिजरी 9 में तबूक के सफर के लिए निकलेंगे, मगर जिस तरह वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर कामयाबी नहीं मिली बल्कि उनकी वफात हो गई थी, उनके जानशीन हजरत यूशा इब्ने नून के हाथ पर कामयाबी मिली थी, तो आप भी तबूक की जानिब निकलेंगे मगर कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी आपके जानशीन अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर होगी। सातवें आसमान पर मुलाकात हुई हजरत इब्राहिम से, इसलिए कि वो आपके जद्दे अमजद हैं, नहीं इसलिए इशारा है कि आपको हज्जतुल विदा से नवाजा जाएगा। इसीलिए उलमा ने लिखा है अगर कोई आदमी ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जियारत करे, उस ख्वाब की तामीर ये होती है कि उसे बैतुल्लाह शरीफ की जियारत नसीब होगी। इतनी बात तो लिखी गई, लेकिन अल्लामा इब्ने मुनीर फरमाते हैं कि मेराज आठवें आसमान की भी हुई। आठवां आसमान कौन सा? वो सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा अरबी जुबान में बेर के दरख्त को कहते, बोरनो झाड़। लेकिन ये वहां का दरख्त है, दुनिया का नहीं। उसका जो फल और उसके पत्ते, उसके पत्ते हाथी के कान की तरह और उसका फल मकाम हिजर के मटकों की तरह है।
इसको सिदरतुल मुंतहा इसलिए कहा गया कि यहाँ पहुंचकर सारी चीज पूरी हो जाती, दुनिया से कोई भी चीज ऊपर जाएगी सिदरतुल मुंतहा पर रुक जाएगी, ऊपर से कोई चीज आएगी सिदरतुल मुंतहा होकर आएगी। ये हजरत जिब्राइल की हद है। यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको असली हालत में देखा कि उनके 600 पर थे। अंदाजा कीजिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने रस्सी से बांधा, कुएं में लटकाकर रस्सी काट दी। हक्काला ने फरमाया, जिब्राइल जाओ नीचे गिरने से पहले थाम लो, पता नहीं कौन से आसमान पर होंगे, और नीचे गिरे उससे पहले थाम लिया। हजरत जिब्राइल यहाँ से आगे नहीं जा सकते, और इसी सिदरतुल मुंतहा के करीब जन्नत भी है। कुरान कहता है, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मवा, इसलिए आपको जन्नत की सैर भी करवाई गई। तो ये आठवां आसमान कहा गया सिदरतुल मुंतहा, इसमें इशारा है फतह मक्का की जानिब जो सन हिजरी 8 में हुआ। यहाँ से आगे आपको ले जा रहा है जिसको कहा जाता है मकाम शरीफुल अफलाम, जहां आपने कलमों के चलने की आवाज सुनी, फरिश्ते तकदीर इलाही को लिख रहे थे, मेरे आका वहां भी पहुंचे, और उसके बाद सब्ज रंग के मखमली बिस्तर को लाया गया जिसको अरबी जुबान में रफ रफ कहा जाता है। सूरह रहमान की आखिरी आयतों में उसका जिक्र है, रफ रफ के माना सब्ज रंग का मखमली बिस्तर। हमारे हजरत मौलाना अलरार साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि रफ रफ पर तशरीफ लाकर मेरे आका पर तशरीफ ले गए, फिर आका को अब रब्बुल आलमीन के पास पहुंचा गया, उनके दरबार में मेरे आका पहुंचते हैं, दीदार हुआ या नहीं, हक्काला की रुहियत नसीब हुई या नहीं। दो जमातें हो गई, एक जमात इनकार करती है दीदार नहीं हुआ, लेकिन इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नहीं, हक्काला के दीदार से आपको नवाजा गया, और यही बात कुछ सही भी मालूम होती है। मैं तो कहता हूँ कि शक्त सदर इसीलिए तो हुआ था कि मेरे आका रब्बुल आलमीन के दीदार से लुत्फ़अंदोज हो सके। वहां पहुंचकर आका ने अत्तहियात पेश की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम कौल इबादतें, तमाम फ़िअली और माली इबादतें सब अल्लाह ही के। जवाब आया रब्बुल आलमीन का, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, ए नबीउल्लाह आप पर अल्लाह की जानिब से सलामती रहमत और बरकत हो, कुर्बान जाइए मेरे आका की शफकत पर, कितने मेहरबान है उम्मत पर। वहां पहुंचकर भी नहीं भूले, कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलामती हो हम पर और नेक बंदों पर। फरिश्तों ने जब ये आवाज सुनी तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये हमारी अत्तहियात है, इसमें कुछ कलमे मेरे आका की जुबान मुबारक से निकले, कुछ रब्बुल आलमीन के कलिमात है, तो कुछ फरिश्तों का जवाब भी। यहाँ पहुँच कर आका को 3 तोहफे दिए गए, 50 नमाज का तोहफा, और दूसरा तोहफा कि आपकी उम्मत में से कोई बंदा इस हाल में इंतकाल करे कि अगर उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया उसकी मग़फ़िरत, और तीसरा इनाम सूरह बकरा की आखिरी आयतों का मज़मून। ये आयतें बाद में नाज़िल हुई मगर मज़मून अभी भी आ गया। ये 3 तोहफे लेकर मेरे आका चले, जब आपकी वापसी हुई फिर सिदरतुल मुंतहा, और वहां से 7वें आसमान पर आए,
जहाँ हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई थी। एक बात ये बतानी रह गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात हुई थी वहाँ बैतुल महमूर बना है, जो दुनिया में जो काबा है उसके बिल्कुल सीध में साथ में आसमान पर फरिश्तों का काबा है, रोजाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। जिस फरिश्ते का एक मर्तबा नंबर आया कयामत तक नंबर नहीं आएगा। अंदाजा कीजिए हक ताला ने ये फरिश्ते कितनी बड़ी तादाद में बनाए। हजरत इब्राहिम ने पूछा क्या नाम मिला, 50 नमाज़ें। खुश कोई जवाब नहीं। जब छठे आसमान पर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तोहफा मिला, का 50 नमाज़ें। तो कहा बाप रे, आपकी उम्मत 50 नमाज़ें पढ़ पाएगी, मुझे तजर्बा है बनी इसराइल, जाओ अल्लाह से दरख्वास्त करो मेरे आका वापस हो। हक़ ताला ने 5 नमाज़ें कम कर दी। फिर मुलाकात हुई, का कितनी रह गई, 45। फिर गए। इस तरह से चक्कर चलता रहा, बार बार जाते रहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर, और 5-5 नमाजें कम होते होते सिर्फ 5 नमाजें रह गई। और कितने बैठे बैठे सोच रहे काश एक चक्कर और लगा ले। यहाँ एक सवाल है, हफ्ताला जब 5 ही नमाज फर्ज करने वाले थे तो पहले से ही 5 नमाजें दे दें, या इसके पहले 50 नमाजें देते और पहली मर्तबा जब आका दरख्वास्त लेकर गए तो कम करके पहले ही 45 कम कर देते, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मेरा रब भी चाहता है कि मेरा महबूब बार बार मेरे पास आए, इसलिए आपा भी अपने रब से बार बार मिलते रहे। ये शक्ल बनाई गई, निगाह आई कि मेरे महबूब आपकी उम्मतें पढ़ेगी 5 नमाजें, मगर तवाफ 50 नमाजों कर दिया जाएगा। खुशी खुशी आप आए, लेकिन एक सवाल फिर जहन में आ गया कि पहले मुलाकात वापसी में हजरत इब्राहिम से हुई थी, उन्होंने तो कम कराने की दरख्वास्त नहीं की, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बाद में मुलाकात हुई उन्होंने दरख्वास्त कर दी। क्यों? इसलिए कि हजरत इब्राहिम खलील है, हजरत मूसा कलीम है। कलीम में और खलील में फर्क है। खलील वो है जो रब की मर्जी के आगे अपने आप को कुर्बान कर दे, और कलीम की शान कलाम करना है, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की कि जाइए कम कराइए। तो इस तरह ये 50 नमाजें कम होकर 5 रह गई। फिर चौथे तीसरे आसमान से होते हुए आका अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस तशरीफ लाए, और वहाँ बुराक बना ही था, वहाँ से आप फिर मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लाए। मुशरिकीन को जब ये बताया तो मुशरिकीन को मौका मिल गया मेरे आका की मजाक उड़ाने का। पहुंचे दौड़े हुए जाकर सिद्दीक अकबर से कहा कि लो, जिन पर आपको नाज है, जो आपके दोस्त हैं, तो वो तो ऐसी बातें बयान करते हैं कि एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, क्योंकि उस जमाने में एक महीने का सफर था, कैसे हो सकता है? अबू बकर की सिद्दीक पर की सिद्दीक की सदाकत पर हमारी जाने कुर्बान के कहा, अगर वो बयान करते हैं तो मैं मानता हूँ। मुशरिकीन ने आका का इम्तिहान लेना चाहा कि आप अगर बैतुल मक़दिस गए तो बताइए तो सही, वहाँ खिड़की कितनी, दरवाजे कितने, सुकून कितने। अरे कौन बता सकता है, बरसों से यहाँ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमें कोई पूछे दरवाजे कितने, खिड़की कितनी, पंखे कितने, ट्यूबलाइट कितनी, कौन बताएगा? कोई नहीं। और मेरे आका तो चंद लम्हों के लिए गए थे,
लेकिन मेरे आका का एक और मौजजा भी देखिए, दरमियान के सारे पर्दे हटा दिए गए, बैतुल मक़दिस सामने कर दिया गया। वो पूछते हैं कि सुतून कितने, आप देखकर बताते हैं। ताकत कितनी, आप देखकर बताते हैं। रोशनदान कितने, आप देखकर बता रहे हैं। दरवाजे कितने, आप देखकर बता रहे हैं। जब आपने ये सारी चीजें बताई, दुश्मनों को मौका मिला, उनकी आखिरी दलील यही होती थी कि ये लोग खुला जादू है। आपने ये भी बात बताई कि देखो मेरा गुजर मकाम रौहा पर हुआ, मैंने देखा कि उन लोगों का एक ऊंट गुम हो गया था, वो उसे तलाश कर रहे थे, और मैंने वहाँ कुछ सामान देखा, एक कोने में पानी देखा, मैंने वो पानी पी लिया। फिर मैं फला जगह से गुजरा, वहाँ एक ऊंट आगे था जिस पर ऐसा बोझ रखा हुआ था जो दो घड़ों के बराबर होता है, और वो सवारी, वो ऊंट हमारी सवारी बुराक को देखकर बिलखने लगा था, और मेरा गुजर तुम्हारे फलां काफले पर से भी हुआ जिनमें खाकी रंग का मिटियाले रंग का एक ऊंट आगे आगे था। मुशरिकीन पूछते वो काफला कब तक आएगा, आका ने फरमाया परसों बुध को मगरिब से पहले आएगा, इसलिए मैंने कहा था कि मेराज इतवार का दिन गुजर कर पीर की रात को हुई है। जब बुध का दिन हुआ वो काफला अब तक नहीं आया, गुरूब का वक्त होने के करीब है, दुश्मनों को मेरे आका की हंसी का एक नया मौका मिल रहा है, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मेरे आका के लिए एक और मौजजा जाहिर कर दिया कि सूरज को रोक लिया गुरूब होने से, सूरज रुक गया, वो काफला उसी शान के साथ आया जिस शान के साथ मेरे आका ने बताया था। लोग हैरान रह गए, मानने को तो तैयार नहीं थे, लेकिन ये जुमला फौरन बक दिया कि ये तो खुला जादू है। तो ये सफर मेराज की मुख्तसर सी दास्तान है। इस रात का, इस सफर का जो असल तोहफा है वो तो नमाज का है, लेकिन आज उम्मत किसी को भुला बैठी, इस रात में कोई इबादत नहीं। कितने लोग अगले दिन रोजा रखते हैं, तो ये गलत फहमी भी दूर कर ले, ये रोजा कुछ साबित नहीं। अगर आप साबित करके बता दो कि अगले दिन आकर आका ने रोजा रखा था तो फिर रखी, लेकिन एक रिवायत भी ऐसी नहीं। हाँ रिवायत ये है, हजरत उमर को जब पता चलता कि लोग 27 रजब को रोजा रखते हैं तो बाकायदा गश्त लगाया, चक्कर लगाया, पता चला जिन जिन लोगों ने रोजा रखा है का अभी रोजा तोड़ो, कोई असल नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि ऐसी चीजें मर्दों से ज्यादा औरतों में चलती है। अरे अल्लाह की बंदियों, मेरी आवाज तुम तक भी पहुंच रही है, पहले जो फर्ज रोजे छूटे हैं उनकी कजा कीजिए, नफल के बारे में कोई कुछ नहीं होगी, अल्लाह के यहाँ कुछ फराइज और वाजिबात के बारे में होगी। तो इस रात में कोई इबादत नहीं, मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ी इबादत यह है जाकर सो जाइए, सुबह की नमाज फजर की नमाज पढ़ रहे, चंद दिनों की चंद लम्हों की नमाज पढ़ने से हम कोई पक्के नमाजी बनते नहीं, मगर आज से अल्लाह के घर से बैठकर ये अहद करके, ये वादा करके जा रहे हैं आज के बाद हमारे कोई नमाज कजा होने नहीं देंगे। हर नमाज मस्जिद में जमात के साथ, और कोशिश भी ये करे कि सफ़े अव्वल पर तकबीर तहरीमा की पाबंदी के साथ अदा करेंगे। यही मेराज का तोहफा है, यही मेरे आका की आंख की ठंडक है। अल्लाह ताला हमें और पूरी उम्मत को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।